भूतिया मदारी का जादुई बंदर। बिरजू अपनी पत्नी प्रीति के साथ शहर में रहता था। प्रीति 3 साल के बच्चे रवि की माँ और 6 महीने की पेट से गर्भवती थी। वहीं बिरजू अपने बंदर झुमरू के साथ मिलकर मदारी का खेल दिखाकर पैसा कमाता था और अपने घर का खर्चा उसी से चलाता था। ऐसे ही दोपहर के समय बिरजू अपना झोला लिए बच्चों को मदारी का खेल दिखाने जाता है। तभी झुमरू से कहता है, ए झुमरू झुमरू बेटा, जरा इन बच्चों के आगे कबड्डी करके तो दिखा। ऐसे बोलने से उसका बंदर उसके डमरू के ध्वनि पर नाच के दिखाता है, तो कभी कल्टी मारता है, कभी चश्मा लगाकर इधर उधर कूदता है। मदारी के खेल दिखाने के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो जाती है और पैसे देने लगते हैं। तभी मदारी कहता है, यार मेरे शेर बच्चे, इन सब से पैसे लेकर आ। मदारी के इतना कहते ही बंदर सबसे पैसे लेकर आता है। जब एक लड़की पैसे नहीं देती तो बंदर उसके हाथ से पैसे छीन कर लाता है और मदारी को दे देता है। वाह मेरा झुमरू, जा लोगों से और पैसा बटोर, आज तो अच्छी कमाई हो गई है भाई, सारे पैसे जाकर मैं अपनी बीवी को दूंगा। मदारी खेल दिखाकर बंदर के साथ सड़क पार कर ही रहा था कि 2 गुंडे उससे पैसे छीनने के लिए आते हैं। और जब बिरजू पैसे देने से इनकार करता है तो वो उससे कहते हैं, चल पैसे निकाल वरना इस चाकू से तुझे मार डालूंगा, चल चल जल्दी कर। ये पैसे मेरी बीवी और बच्चों के लिए है, मैं नहीं दूंगा इन्हें। तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तुम्हें ये पैसे नहीं दूंगा। नहीं देगा ना पैसे तो ये ले। ऐसा बोलते ही वो गुंडा बिरजू को चाकू से मार डालता है और उसके पैसे छीनकर दोनों भाग जाते हैं। झुमरू अपने मालिक के लिए कुछ नहीं कर पाता। तभी बिरजू एक भूतिया मदारी बन जाता है। वहीं बंदर प्रीति को खबर करने घर जाता है और उसकी साड़ी पकड़कर उसे बिरजू तक लेकर आता है। प्रीति बच्चे को गोद में उठाकर अपने पति की ओर जाती है। उसकी मौत देखकर वो रोते हुए कहती है, बिरजू जी ये क्या हो गया आपको? ऐसी छोड़कर आप मुझे क्यों चले गए? कम से कम हमारे छोटे से बच्चे का तो ख्याल किया होता। आपके बिना मैं अपने दोनों बच्चों को कैसे पालूंगी? अपनी लाश के आगे प्रीति को रोता हुआ देख भूतिया बिरजू बहुत उदास होता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं खुद को बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मरने के बाद भी तुम्हारा और बच्चे का उतना ही ख्याल रखूंगा जितना पहले रखा, तुम्हें पैसों की कोई कमी नहीं होगी। झुमरू झुमरू यहाँ आओ। भूतिया बिरजू किसी को दिख नहीं सकता था लेकिन झुमरू को दिख रहा था और तभी वो झुमरू को एक जगह बुलाकर कहता है, झुमरू झुमरू तू मुझे देख सकता है ना, मेरी एक बात मानेगा? सुन, तू प्रीति का ख्याल रखना और मैं उसे इस हाल में नहीं छोड़ सकता, तू मदद करेगा ना मेरी? झुमरू मुझे तुम्हारी कोई बात समझ नहीं आ रही, रुक मैं कुछ करता हूँ। भूतिया बिरजू ऐसा कहकर बंदर को जादू से बोलने की शक्ति प्रदान करता है, जिसके बाद झुमरू कहता है, मालिक मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं मालकिन और रवि का बहुत ख्याल रखूंगा। मैं जानता हूँ आप उनकी पैसे से मदद करना चाहते, इसलिए मैं आपके साथ हूँ। शुक्रिया झुमरू मेरी बात समझने के लिए, हम शाम से ही कर्तव्य दिखाना शुरू करेंगे। हाँ मालिक, आप डमरू बजाना, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूँगा, बस फर्क इतना होगा आप किसी को दिखाई नहीं दोगे लेकिन मैं आपके डमरू पर ही नाचूंगा। इतना कहते ही शाम में दोनों मदारी का खेल दिखाने रोड के चौराहे पर पहुंच जाते हैं, जहां भूतिया मदारी डमरू बजाता है और झुमरू उसके इशारों पर करतब दिखाता है तो कभी नाचता है, जिसे देख कर आस पास के लोग खुश हो जाते हैं। दर्शकों भाइयों और बहनों, आओ और मेरा बेहतरीन नृत्य और कलाकारी देखकर खुश हो जाओ। अरे प्याले बंदर, जिला उछल कर तो दिखाओ, बहुत ऊंचा बहुत ऊंचा, ये वाओ। अच्छा अब तो मेरा जादू देखो, मैं कितनी ऊंची छलांग लगाता हूँ।
अरे वाह, ये बंदर तो बोलता भी है। अरे तो ये तो देखो देखो बोलने वाला बंदर है। अरे ये बंदर तो बोलता भी है, चलो इसका जादू देखते हैं। उस बच्चे के कहने पर झुमरू ऊंची छलांग लगाकर दिखाता है तो कभी अपने हाथ में से गमला निकाल कर दिखाता है। इस तरह से वो छोटे छोटे जादू करके लोगों का दिल जीतता है और फिर एक पोटली ले जाकर उनसे पैसे बटोरता है। वो पैसे एक पोटली में बांधकर अपने मालिक को देता है। तभी बिरजू कहता है, नाना झुमरू तुम मुझे ये मत दो, जाकर अपनी मालकिन को दो, उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। जी मालिक। इस तरह झुमरू सारे पैसे लेकर प्रीति के पास पहुंचता है और उसे देते हुए कहता है, मालकिन मालकिन ये आपके पैसे, ये लीजिए और घर का राशन और अपनी दवाई ले आइए। झुमरू झुमरू तुम बोल कैसे सकते हो, मैंने तो पहले कभी तुम्हें बोलते हुए नहीं देखा, तो आज और ये पैसे कहाँ से आए इतने सारे? मालकिन मालकिन मेरे जाने के बाद क्या पता बजरंग बली ने मुझे आपका सहारा बनने के लिए आवाज दे दी हो, और ये पैसे तो मैं करतब करके लाया हूँ जो मैं पहले भी करता था। शुक्र है बजरंग बली की लीला अपरंपार है, उन्होंने मेरा सहारा तुम ही बना दिया, वरना मैं अपनी रवि और आने वाले बच्चे को कैसे पालती। मुझे बिरजू जी की बहुत याद आती है। आप यही समझो कि वो आसपास है, वो आपको छोड़कर कभी गए ही नहीं। हाँ प्रीति, मैं तुम्हें बहुत प्यार और याद करता हूँ, तुम्हें देख देख कर ही दूर से खुश रहता हूँ, बस तुम दोनों बच्चों का ख्याल रखना। पता है मालकिन, मालिक आपसे कह रहे हैं आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप दोनों बच्चों का ख्याल रखिए। हाँ सही कहती हूँ झुमरू। तभी रवि रोने लगता है और प्रीति उसे चुप कराती है। वक्त बीत जाता है। इस तरह झुमरू और भूतिया मदारी अपना खेल दिखाकर पैसे कमाकर प्रीति को दे दिया करते थे। इस बात से प्रीति बेखबर थी। वहीं एक दिन बिरजू को वो दोनों गुंडे नजर आते हैं। तभी वो उनकी गर्दन पकड़कर कहता है, तुम दोनों की बेवकूफी की वजह से आज मैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नहीं हूँ, उसे मेरी इस टाइम कितनी जरूरत थी, लेकिन अब मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा। बिरजू उन दोनों को मार कर अपना बदला ले लेता है और वहीं प्रीति को लेबर पेन शुरू होता है और उसकी बेहोशी में बिरजू गाड़ी चलाकर उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाता है, जहां कुछ देर बाद प्रीति की एक प्यारी सी लड़की होती है। बिरजू अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होता है और झुमरू को कहता है, झुमरू इस कमजोर परिस्थिति में तुमने मेरा और प्रीति का बहुत साथ दिया है, शायद मैं उस चीज का खुद पर से कभी एहसान न उतार पाऊं। मालिक आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आपने भी तो मेरा बहुत ध्यान रखा है, मुझे खाना खिलाया अपने बच्चे की तरह, तो इसमें एहसान कैसा, आप निश्चिंत रहिए। भूतिया बिरजू अपने बच्चे को गोद में उठाकर गले से लगाता है। बच्चे को हवा में देखकर प्रीति हैरान हो जाती है और चिल्लाती है। तभी झुमरू कहता है, मालकिन आप डरिए मत, ये मालिक है जिसने बच्चे को गोद में उठाया है, वो मिलने आए हैं उससे। झुमरू ये तुम क्या बोल रहे हो, वो कैसे आ सकते हैं भला? प्रीति की बात सुनकर झुमरू उसे बिरजू के बारे में सब बता देता है। तभी बिरजू उसके सामने आकर कहता है, प्रीति मरने के बाद से मेरी आत्मा भटक रही है और मदारी का खेल दिखाकर झुमरू ही मेरे साथ पैसे लाकर तुम्हें देता था, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया ताकि तुम्हें तकलीफ ना हो, और अब जब हमारा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया है तो मुझे चलना चाहिए। मैं जानता हूँ आगे की जिम्मेदारी तुम झुमरू के साथ बखूबी से उठा लोगी। ये बोलते ही बिरजू वहाँ से गायब हो जाता है। जैसे जल मछली का जीवन है, वैसे ही सांसें तुम इंसानों का जीवन है। अब देखो कैसे मैं तुम दोनों इंसानों से तुम्हारी सांसें छीन कर तुम्हें जान से मारती हूँ। छोड़ दो हमें, अरे मत मारो, जाने दो हमें यहाँ से, हम फिर कभी दोबारा यहाँ नहीं आएंगे। हम सच कह रहे हैं, प्लीज हमें जाने दो। नहीं, मैं तुम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, आखिरी बार इस दुनिया को देख लो क्योंकि अब तुम मरने वाले हो। इतना बोलते ही चुड़ैल उन दोनों आदमियों की गर्दन धड़ से उखाड़ कर अलग कर देती है और उन्हें मार कर बोलती है,
लालच करने वालों की यही सजा है। जो भी इंसान मेरे इस जादुई मैंगो हाउस को पाने की कोशिश करेगा वो मारा जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल फिर से अपने जादुई मैंगो हाउस के अंदर चली जाती है। ऐसे ही एक रात की बात है। उस रात दो सौदागर अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल के रास्ते से आपस में बात करते हुए जा रहे होते हैं कि तभी सौदागर अंबर बोलता है, बस कैसे भी करके एक बार ये जंगल जल्दी से पार हो जाए, फिर उस पहाड़ का सारा खजाना हमारा होगा। हाँ सही कहा, फिर उसे बेचकर हम बहुत अमीर हो जाएंगे। दोनों बात करते हुए जंगल की ओर आगे बढ़ते हैं कि तभी अचानक से उनकी नजर चुड़ैल के जादुई मैंगो हाउस और आम के पेड़ पर पड़ती है। जंगल में अद्भुत घर को देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और अचंभित होकर हर्षवर्धन बोलता है, अरे इस घने जंगल में आम का पेड़, वो भी इकलौता, और इससे भी आश्चर्य कर देने वाली बात कि यहाँ एक मैंगो हाउस है जिसमें से जूस निकल रहा है। हाँ सही कहा, ऐसा दृश्य तो मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। आज से मैंने पहले कभी कुछ ऐसा नहीं देखा था। मुझे तो ये मैंगो हाउस जादू ही लग रहा है, जरूर इसके अंदर कुछ न कुछ होगा, चलो चलकर देखते हैं। जिसके बाद वह दोनों घोड़े से नीचे उतरकर घर के अंदर जाते। अंदर के नजारे को देखकर दोनों खुशी से फूले नहीं समाते क्योंकि घर के अंदर हर एक कोने में सोने के ढेर लगे होते हैं। तभी अंबर बोलता है, अरे बाप रे इतना सारा सोना, जिस मकसद से हम घर से निकले थे वो मकसद तो हमारा यही पूरा हो जाएगा। अब हम इन सब चीजों को यहाँ से ले जाकर बाजार में अच्छे दामों में बेचेंगे। तो फिर देरी कैसी, चलो मिलकर इन सब चीजों को समेट लेते हैं। इतना बोलते ही दोनों सोने को समेटने के लिए जैसे ही हाथ बढ़ाते हैं तभी अचानक से वहाँ पर भयंकर चेहरे वाली चुड़ैल आकर बोलती है, अच्छा तो अब तुम दोनों मेरा खजाना चोरी करके यहाँ से ले जाना चाहते हो। पर मूर्ख इंसानों, तुम खजाने की लालच में अंदर आ तो गए पर यहाँ से जिंदा वापस लौट कर नहीं जा सकते। अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। चुड़ैल को सामने देखकर उनकी आंखें पटी की पटी रह जाती हैं और चुड़ैल की बातों को सुनकर उनका दिल दहल जाता है। तभी डरते हुए हर्षवर्धन बोलता है, देखो अब मानते हैं कि लालच में आकर हम तुम्हारा खजाना चुरा रहे थे, लेकिन अब हमें इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे, अब ऐसी गलती हम फिर दोबारा नहीं करेंगे। जरा देखो तो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, लेकिन मैं बता दूं कि मैं गलती करने वालों को माफ नहीं करती। गलती की सजा सिर्फ सजाए मौत है और वो मौत तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना बोलते ही चुड़ैल अपने हाथों से उन दोनों का गला दबाकर उन्हें मार देती है। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर एक शाम किशोर सब्जी की टोकरी सर पर उठाए जंगल के रास्ते से घर लौट रहा होता है। तभी वो खुद से बोलता है, आज बाजार में एक भी सब्जी नहीं बिकी और आज फिर से मेरी बीवी बच्चे को भूखे सोना पड़ेगा। किशोर खुद से बोलते हुए जा ही रहा होता है कि उसी वक्त उसकी नजर चुड़ैल के मैंगो हाउस पर पड़ती है, जिसे देखकर किशोर बोलता है, अरे मैंगो हाउस, इस पर तो मेरी नजर कभी गई ही नहीं। अरे बड़े ताज्जुब की बात है, इसमें से जूस निकल रहा है, क्यों ना मैं इस जूस को थैले में भरकर घर ले जाऊं, इससे मेरे बीवी बच्चों का पेट भर जाएगा। इतना बोलकर किशोर उस जादुई मैंगो हाउस के पास जाता है। जैसे ही किशोर जूस को थैले में भरने लगता है कि तभी उस घर का दरवाजा खुलता है। दरवाजे को खुलता देख किशोर उस घर के अंदर प्रवेश करता है। चारों तरफ सोने को देख कर एक सोने का सिक्का उठा लेता है। सिक्का उठाते ही उसके सामने चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, तू भी उन सभी इंसानों की तरह निकला, लेकिन अब तुम्हें मरने से कोई नहीं बचा सकता। जैसे मैंने उन लोगों को मारा वैसे तू भी मरेगा। मत मारो मुझे, और तुम लोगों को क्यों मार रही हो बताओ मुझे। तू जानना चाहता है तो सुन। जौनपुर गांव में शिखा अपने बूढ़े माँ बाप के साथ रहती थी, लेकिन एक दिन उसके पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है, जिसके दो दिन बाद ही उस घर का मालिक उन्हें घर से निकाल देता है। उनके पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं होता, जिस वजह से वह जंगल में जाते हैं। जंगल में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखते हैं जो जख्मी हालत में होते हैं। उन्हें देखकर शिखा उनके पास जाकर बोलती है, बाबा आप ठीक तो है ना, आपको ये चोट कैसे लगी? कुछ दुष्ट इंसान मेरे पीछे पड़ गए थे। मैं एक सिद्धि पुरुष इंसान हूँ और मैंने बहुत तपस्या करके इस बीज को बनाया है। ये जादुई आम का बीज है, अगर तुम इसे जमीन में बोकर पेड़ बना दोगी
और इस पेड़ से जो भी मांगोगी वो तुम्हें देगा। तुम इसे रख लो, ये तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इतना बोलते ही बाबा दम तोड़ देते हैं, जिसके बाद शिखा उस बीज को मिट्टी में दबा देती है और देखते ही देखते वहाँ पर एक जादुई आम का पेड़ उग जाता है। और शिखा बोलती है, हे जादुई आम के पेड़, हमारे पास घर नहीं है, कृपया आप हमें रहने के लिए घर दे दीजिए। शिखा के इतना बोलते ही वहाँ पर जादुई मैंगो हाउस बन जाता है, जिसमें शिखा अपनी माँ के साथ रहने लगती है। धीरे धीरे ये बात गाँव के सभी लोगों को पता चल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब शिखा पेड़ से आम तोड़ रही होती है कि तभी विक्रम और उसके दो गुंडे शिखा को घेर कर खड़े हो जाते हैं। और विक्रम बोलता है, सुना है आजकल तू बहुत राजा महाराजा वाली जिंदगी जी रही है, लेकिन अब और नहीं, तू चुपचाप से ये घर हमें दे दे, नहीं तो मैं तुझे और तेरी बुढ़िया माँ को जान से मार दूंगा। मेरे पास बस यही घर है, अगर तुमने ये भी ले लिया तो हम कहाँ जाएंगे, इसलिए मैं वो घर तुम्हें नहीं दे सकती। वो कहावत सही कही है किसी ने, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। अब मैं भी वही करूंगा। जिसके बाद विक्रम के दोनों गुंडे शिखा की माँ को घसीटते हुए घर से बाहर लाते हैं और फिर शिखा और उसकी माँ को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देते हैं। और विक्रम एक ही झटके में रस्सी खींच देता है, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है। और तभी से मैं अपने साथ हुए अन्याय का बदला लोगों को मार कर ले रही हूँ। मैं मानता हूँ जो उन लोगों ने तुम्हारे साथ किया वो गलत था, लेकिन तुमने भी तो अपने इंतकाम की आग में जलकर बहुत से बेगुनाह लोगों को मार डाला, क्या वो सही है? किशोर की बात सुनकर चुड़ैल को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बोलती है, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे गलत होने का एहसास कराया, इसलिए मैं अपने पश्चाताप के लिए यहाँ से जा रही हूँ। इतना बोलते ही चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। रात के समय एक शराबी शराब पीता हुआ जंगल के रास्ते से घर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने विशाल भूतिया चूहे पर सवार चुड़ैल आ जाती है, जिसे देखकर शराबी बोलता है, अरे बाप रे, ये क्या बला है, इसे देखकर तो मेरा सारा नशा ही उतर गया, अरे भागता हूँ यहाँ से वरना बिना मौत मारा जाऊंगा। जिसके बाद शराबी वहां से भागने लगता है। तभी चुड़ैल और भूतिया चूहा उसे घेर लेते हैं और चुड़ैल बोलती है, अपनी मौत से भला आज तक कोई बच पाया है, जो तू बचने की कोशिश कर रहा है मूर्ख इंसान, और तूने मुझे बहुत दौड़ाया, अब देख उसकी सजा मैं तुझे कितनी खतरनाक देती हूँ। छोड़ दो मुझे, मत मारो, जाने दो मुझे यहाँ से, बचाओ बचाओ। इतने वीराने में कोई तुझे बचाने वाला नहीं आने वाला, अब तू मरेगा, मरने के लिए तैयार हो जा। इतना बोलकर चुड़ैल उसकी गर्दन को अपने हाथ से उखाड़ देती है, जिससे शराबी की वही मौत हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल और भूतिया चूहा उसके मांस को नोच कर खा जाते हैं। इस हादसे को भी कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, उस रात मोहन और गोपाल बाजार में सब्जियां बेचकर घर लौट रहे होते हैं। तभी मोहन बोलता है, ये सरकार को क्या होता जा रहा है, दिन प्रतिदिन महंगाई बढ़ाते जा रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो गरीबों को भूखे ही मरना पड़ेगा, क्योंकि वो इतनी महंगी सब्जियां और अनाज नहीं खरीद सकते। कह तो तू सही रहा है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, घर भी पहुँचना है। जिसके बाद वो दोनों अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से उनके सामने चुड़ैल और भूतिया चूहे आ जाते हैं और चुड़ैल बोलती है, इतनी भी क्या जल्दी है घर जाने की, पहले हमारी भूख तो मिटा दो फिर चले जाना। अपने सामने चुड़ैल को देखकर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और दोनों चुड़ैल से बोलते हैं, मत मारो हमें, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, जाने दो हमें यहाँ से, हम तो सीधे साधे इंसान हैं, हमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर तुम क्यों हमें मार रही हो, भगवान के लिए हमारी जान बख्श दो। मैं तुम्हारी इन इंसानी बातों से नहीं पिघलने वाली बेवकूफ इंसानों, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। इतना बोलकर चुड़ैल उन दोनों की गर्दन पर अपने नुकीले नाखून से वार करती है और उनकी गर्दन को धड़ से अलग कर देती है। जिसके बाद चुड़ैल और उसका भूतिया चूहे उनकी मांस को नोच कर खा जाते हैं। अगले दिन सुबह उन दोनों की लाश गांव वालों को मिलती है, जिसे देखकर वो लोग आपस में बात करते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कि गांव के लोगों को कौन मार रहा है और आखिर कब तक हम इन समस्याओं को झेलते रहेंगे, बहुत हो गया,
अब हमें इसका समाधान ढूंढना ही होगा। हाँ सही कह रहे हो तुम, अगर अब हम लोगों ने कदम नहीं उठाया तो कहीं देर ना हो जाए। इसलिए मैंने सोचा है कि आज ही हम तांत्रिक बाबा के पास जाएंगे और उन्हें गांव में घट रही घटनाओं के बारे में बताएंगे। जिसके बाद वो दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और दिनेश बाबा से बोलता है। बाबा, पिछले कुछ दिनों से हमारे गांव में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घट रही हैं। लोग अपने आप ही मरते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा गाँव के लोगों को कौन मार रहा है बाबा। और जब सुबह उनकी लाश मिलती है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है मानो जैसे किसी जंगली जानवर ने उनका मांस नोच नोच कर खाया हो। अब आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी और हमारे गांव की रक्षा करिए बाबा। तुम दोनों घबराओ मत, मैं शीघ्र ही अपनी इंद्रिय शक्तियों से पता करता हूँ कि वो कौन है जो लोगों को मार रहा है। इतना बोलकर बाबा अपनी आँख बंद कर लेते हैं और ध्यान लगाकर थोड़ी देर बाद आँख खोलकर बोलते हैं, ये किसी जंगली जानवर का काम नहीं बल्कि चुड़ैल और भूतिया चूहे का है, वही तुम्हारे गाँव में मौत का तांडव कर रहे हैं। तो बाबा कोई तो उपाय होगा उन्हें रोकने का। उपाय ये है कि हमें यज्ञ करके उस चुड़ैल और भूतिया चूहे को यहाँ बुलाना होगा और उनसे पूछना होगा कि आखिर क्यों वो लोगों को मार रहे हैं। जिसके बाद बाबा यज्ञ जलाकर मंत्र पढ़ते हुए पूजा आरंभ करते हैं। मंत्रों की आवाज से चुड़ैल और भूतिया चूहा तड़पते और छटपटाते हुए वहाँ आते हैं और चुड़ैल बोलती है, क्यों बुलाया है तूने हमें यहाँ तांत्रिक? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। तुझे ना सही, लेकिन कम से कम इन लोगों का ही सोच लिया होता, अब तेरे साथ साथ हमें इन लोगों को भी मौत के घाट उतारना होगा। तो मेरी चिंता करना छोड़ दे, तो मुझे ये बता कि क्यों तुम दोनों इन लोगों को मार रही हो? आखिर क्या बिगाड़ा है इन्होंने तुम्हारा? तूने क्या हमें अपना गुलाम समझ रखा है जो तेरे पूछने पर हम तुझे सब कुछ बता देंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता मूर्ख तांत्रिक, इसीलिए अब तू हमसे ज्यादा सवाल जवाब मत कर और हमें यहाँ से जाने दे। अपनी हद पार मत कर चुड़ैल, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और बहुत घमंड है ना तुम्हें अपनी शक्तियों पर? रुको, मैं इसी वक्त तुम्हारे घमंड को चकनाचूर करता हूँ। इतना बोलकर तांत्रिक बाबा चुड़ैल और भूतिया चूहे पर भभूति फेंक देते हैं, जिसकी जलन से वो दोनों तड़पने लगते हैं और चुड़ैल बोलती है, रुक तांत्रिक, मैं तुझे सब बताती हूँ। मेरा नाम श्रेया है और ये चूहा मेरा प्रेमी राजवीर है। हम दोनों की बहुत जल्दी शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले ही राजवीर का मेरे पास फोन आता है और वो मुझसे बोलता है, श्रेया अब हमारी शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुमसे शादी से पहले सिर्फ एक बार मिलना चाहता हूँ। क्या आज हम पहाड़ी वाले जंगल में मिल सकते हैं? ठीक है, आज शाम 5 बजे हम दोनों वहाँ मिलेंगे, लेकिन हाँ तुम टाइम पर आ जाना। हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगा। जिसके बाद वो दोनों पहाड़ी वाले जंगल पर मिलते हैं। तभी श्रेया की नजर पेड़ के नीचे बैठे तपस्वी पर पड़ती है, जो कई सालों से तपस्या में लीन होते हैं। उनकी बाल किसी जटाओं की तरह उनके चेहरे पर बिखरे हुए थे। तभी श्रेया और राजवीर उनके पास जाते हैं और उनकी जटाओं से खेलने लगते हैं, जिसकी वजह से तपस्वी की आँख खुल जाती है और वो क्रोध में आकर बोलते हैं, तुम दोनों की वजह से मेरी तपस्या भंग हुई है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हारा ये खूबसूरत रूप एक चुड़ैल में बदल जाए और तुम्हारा ये प्रेमी एक चूहा बन जाए और तुम दोनों सदैव एक दूसरे के लिए तड़पते रहो। हमें क्षमा कर दीजिए तपस्वी जी, ये भूल हमसे अनजाने में हुई है, इसकी हमें इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। उन दोनों के पश्चाताप के आंसू देख तपस्वी को उन पर दया आ जाती है और वो बोलते हैं, इस श्राप का बस एक ही तोड़ है, अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए लाल घाटी से वो चमत्कारी पत्थर लाकर तुम्हारे माथे पे चिपका दे तो तुम्हारा सारा श्राप खत्म हो जाएगा और तुम फिर से अपने असली रूप में वापस आ जाओगे। इतना बोलकर तपस्वी वहाँ से गायब हो जाते हैं। और तभी से हम इस श्रापित रूप से लोगों को मार रहे हैं। अगर आप हमारी मदद करें तो हम श्राप मुक्त हो जाएंगे और गाँव में मौत का तांडव बंद हो जाएगा। कृपया करके हमारी मदद करिए। ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। जिसके बाद तांत्रिक खुद लाल घाटी जाते हैं और वहां से वो चमत्कारी पत्थर लेकर आते हैं और फिर उन दोनों के माथे पर डाल देते हैं। जैसे ही पत्थर उनके माथे को छूता है, वैसे ही वो दोनों अपने इंसानी रूप में आ जाते हैं और वो दोनों तांत्रिक बाबा से बोलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, आपने हमारी इतनी मदद की, हम आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं उतार सकते। बाबा आपने हमें समझा और हमें श्राप से मुक्त किया, उसके लिए शुक्रिया।
और अपने अहंकार में आकर जो बदतमीजी मैंने आपके साथ की उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने तुम दोनों को पहले ही माफ कर दिया था, अब तुम यहाँ से जाओ और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करो। लिफ्ट में भूत। राहुल अपने बॉस विवेक के साथ एक बहुत बड़ी पार्टी में अपनी कंपनी की तरफ से आया था, जहाँ उसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी उसका बॉस ये हालत देखकर उससे कहता है, क्या हुआ विवेक, आर यू ओके? हाँ सर, ठीक तो हूँ, लेकिन मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है। ओके, परेशान मत हो तुम, ऊपर मेरा रूम है, ये लो चाबी, रूम नंबर 505, फिफ्थ फ्लोर पर, क्योंकि पार्टी अभी बहुत लंबी चलेगी, जब तक तुम आराम कर लो और जब अच्छा महसूस हो तो नीचे आ जाना। थैंक यू बॉस, आप सच में बहुत अच्छे बॉस हो, बहुत केयरिंग। कोई बात नहीं, मस्का मत लगाओ, जाओ रेस्ट करो और कुछ जरूरी हो तो मुझे कॉल कर लेना। राहुल अपने बॉस की बात सुनकर लिफ्ट में आ जाता है और फिफ्थ फ्लोर का बटन दबा देता है। लिफ्ट चलने लगती है और वो फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, लेकिन तभी लाइट चली जाती है और राहुल सोचता है, अरे अचानक से लाइट कैसे बंद होगी लिफ्ट की। ये बोलकर राहुल अंधेरे में ही लिफ्ट के बटन पर हाथ मारता है ताकि लाइट जल जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। तभी उसे किसी के सांस लेने की डरावनी आवाज आती है। ये सुनकर राहुल कहता है, ये कैसी आवाज है, कौन है यहाँ? राहुल के इतना कहने पर ही लिफ्ट की लाइट जल्दी बुझने लगती है। तभी वो अपने सामने शीशे में देखता है कि एक बेहद डरावना भूत इस लिफ्ट में मौजूद है। वो दोबारा से अपनी आंखें खोलकर देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से लाइट बंद होकर फिर जलती है तो उसके सामने वही भूत होता है, जिसे देखकर वो कांपते हुए कहता है, भूत, अरे बचाओ, अरे कोई, अरे राम 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 राम, यह भूत है, अरे 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 कोई तो लिफ्ट खोलो, अरे खोलो। ना 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 ना, अब तो यहाँ से कहीं नहीं जा सकता, इस लिफ्ट से बाहर अब बस तेरी लाश ही जाएगी। मुझे प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, देखो मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे जाने दो। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे, जो भी इस लिफ्ट में आएगा मैं उसे मार डालूंगा। राहुल डर के मारे लिफ्ट के सारे बटन को दबा देता है, जिससे लिफ्ट बहुत तेजी से ऊपर के फ्लोर पर भागती है। लिफ्ट 8वें फ्लोर पर आकर रुक जाती है, दरवाजा खुलता है, राहुल बाहर जाने की कोशिश करता है, इतने में झट से लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। फिर लिफ्ट 5वें फ्लोर पर आ जाती है, जिसका दरवाजा खुलता है, राहुल बाहर निकलने की कोशिश करता है, इतने में वो भूत उसका हाथ पकड़कर लिफ्ट के अंदर खींचता है और लिफ्ट फिर बंद हो जाती है, जिसके बाद वो बहुत तेजी से सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाती है। इतने में वो भूत राहुल को बेरहमी के साथ मार डालता है। आखिर मैंने इसे भी मार डाला, इस लिफ्ट में आने वाला हर शख्स को मैं मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। 5 घंटे बाद पार्टी खत्म हो जाती है। वहीं विवेक राहुल को फोन लगाता है, लेकिन वो तो फोन उठा नहीं सकता था, उसका फोन लिफ्ट में पड़े पड़े बजता रहता है। लगता है थककर सो गया, मैं ही उसके पास चला जाता हूँ। विवेक उस लिफ्ट से न जाकर अपने सामने वाले लिफ्ट से जाता है और वो अपने रूम तक पहुँच जाता है और कहता है, अरे ये रूम तो बंद है, इसका मतलब राहुल अभी तक पहुँचा ही नहीं, कहाँ हो सकता है, 5-6 घंटे से फोन भी नहीं उठाया उसने। विवेक उस बिल्डिंग के मैनेजर को राहुल के बारे में बताता है और उसे ढूंढने को कहता है। मैनेजर अपने स्टाफ के साथ उस बिल्डिंग के हर कोने कोने में देखता है, मगर राहुल का नामो निशान कहीं नहीं मिलता। कुछ दिन बीतते हैं, उस बिल्डिंग में आए दिन कोई ना कोई पार्टी होती रहती है। उस बिल्डिंग में शांता नाम की औरत ने अपनी सहेली को बुलाकर एक किटी पार्टी अरेंज की। उसकी सहेली मीना उससे बात कर रही थी कि वेटर आकर उसकी ड्रेस पर जूस गिरा देता है, जिसके लिए वो कहती है, आर यू मैड, तमीज नहीं है क्या? सॉरी मैडम, वो गलती से हो गया, मुझे माफ कर दीजिए। अच्छा,
मेरी इतनी महंगी ड्रेस खराब करके मैं तुझे माफ कर दूं? अरे मीना जाने दे, गलती से हो गया यार। ऐसा कर, ऊपर वाले फ्लोर पर जाकर तू अपनी ड्रेस साफ कर ले। ठीक है। ये बोलकर वो उस लिफ्ट में चली जाती है जहाँ राहुल की मौत हुई थी। जैसे ही वो लिफ्ट का पहला बटन दबाती है तो लिफ्ट चलने लगती है, फिर चलते चलते रुक जाती है जहाँ तभी लाइट चली जाती है। अजीब डरावनी आवाजें आने लगती हैं। अरे ये लिफ्ट अचानक से क्यों रुक गई? मीना लिफ्ट के बटन फिर से दबा देती है मगर कुछ भी नहीं होता। तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो कहती है, ये क्या हो रहा है, खोलो प्लीज, मेरा दम घुट रहा है। शांता, अरे कोई है बाहर? तो यहाँ गर्मी भी लग रही है, ऊपर से सांस भी नहीं ले जा रही। मीना उस लिफ्ट के दरवाजे को जोर जोर से खोलने के लिए उस पर हाथ मारती है लेकिन अचानक से लाइट आ जाती है। तभी उसके बराबर में वो भूत अपना सर मीना के कंधे पर रख देता है जिसे मीना शीशे में देख लेती है और जोर से चिल्लाते हुए कहती है, भूत, 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 बचाओ, कोई बचाओ मुझे, भूत, भूत, कोई दरवाजा खोलो, खोलो प्लीज। मरेगी तो भी नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं मार डालूंगा तुझे भी। ऐसा कहकर वो भूत मीना का गला पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है लेकिन इतने में भूत उसकी जान ले लेता है। लिफ्ट नीचे वाले फ्लोर पर खुलती है। तभी सब लोग उसकी लाश को देखकर शोर मचाते हैं। लोगों का शोर शांता को बुलाता है और अपने दोस्त की मौत देखकर वो गहरे सदमे में चली जाती है। कुछ ही हफ्तों में उस लिफ्ट में आने वाले हर इंसान की इसी तरह मृत्यु होती है। ये बात आग की तरह फैल जाती है कि उस लिफ्ट में भूत है। कुछ जानकार लोग जाने की हिम्मत नहीं करते लेकिन कुछ लोग चले भी जाते हैं जिनके साथ ऐसा ही होता है। तभी ओम नाम का लड़का उस लिफ्ट में जाता है और फिर उसका दोस्त शिवाय कहता है, ओम इस लिफ्ट से मत जा, यहाँ खतरा है। ये सब लिफ्ट के बारे में यही कहते हैं लेकिन आखिर वो मौत हो क्यों रही है? इसके पीछे मैं पता लगा कर ही रहूंगा। और तू मेरे पीछे क्यों आ गया? मैं तुझे अकेले नहीं छोड़ सकता, पता है ना तुझे, तू जहाँ मैं वहाँ। अच्छा ठीक है। ये बोलते ही ओम लिफ्ट के 10वें माले का बटन दबाता है जिसके बाद लिफ्ट चलते चलते तेज भागती है। लिफ्ट की बटन की सारी लाइटें जलने लगती हैं। तभी घबराकर शिवाय कहता है, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, तू कोई इंतजाम करके आया भूत से पंगा लेने या यूं ही आ गया? तुम चिंता मत करो, मैं उस भूत को भगाने का ट्रिक जानता हूँ। अचानक से लिफ्ट की लाइट जलने बुझने लगती है, अजीब सी आवाजें आती हैं और फिर भूत उनके सामने एकदम से आकर कहता है, बहुत बड़ी गलती करी है तुमने इस लिफ्ट में आकर, अब मैं तुम्हें जिंदा तो जाने नहीं दूंगा यहाँ से। ओम बचा मुझे, कहा था ना इस लिफ्ट में मत आ, लेकिन तूने मेरी एक नहीं सुनी, अब क्या होगा हमारा? मैंने बोला ना, डर मत, मैं तेरे साथ हूँ। आके तुम लिफ्ट में आने वाले लोगों को क्यों मार देते हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। नहीं बताऊंगा, बोल क्या करेगा, अब तू और तेरा दोस्त दोनों की मरने की बारी है। ये बोलते ही वो खूंखार भूत जब दोनों का गला पकड़ता है तभी ओम उसके सामने बजरंग बली का लॉकेट दिखाता है जिसे देखकर उस भूत की रूह कांपती है और कहता है, हटाओ ये लॉकेट मेरे सामने से, हटाओ। एक ही शर्त पर हटाऊंगा, जब तू मुझे बता देगा कि तू लिफ्ट वाले लोगों को क्यों मार रहा है। बताता हूँ, कुछ समय पहले की बात है, मैं इस लिफ्ट में अपने दोस्त की वजह से मर गया क्योंकि उसने मुझे डरपोक बोला, जिस वजह से मैं लिफ्ट में अकेले आ गया, लेकिन फिर मैं फंस गया और दम घुटने की वजह से मैं मर गया। तब से मैं इसी लिफ्ट में भटकने लगा जिसके बाद मैंने लोगों को मारना शुरू कर दिया। देखो तुम्हारी मौत एक हादसा थी, इसके लिए तुम किसी को कसूरवार ठहरा नहीं सकते, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। ऐसा बोलते ही ओम भूत को बजरंग बली के लॉकेट से हमेशा हमेशा के लिए भगा देता है जिसके बाद से उस लिफ्ट में अब कोई हादसा नहीं होता।
शाम के 6 बजे थे। साफ मौसम था। बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। तीन भैंसे मजे से चारा चर रही थी कि अचानक तेज आंधी चलने लगती है। बादल बिल्कुल काले हो जाते हैं। मौसम के रुख बदलने से सब अपने घर में घुस जाते हैं। वहीं बंधी हुई तीनों भैंस हाहाकार मचाने लगती है। तभी भैंस के आगे चुड़ैल आ जाती है और हंसकर कहती है, आ गई आखिर मैं भैंसों को चुराने, आ गई। आज तो मैं इसे लेकर ही जाऊंगी और फिर इनका मीठा मीठा दूध पीऊंगी। भैंस अभी उस चुड़ैल को देखकर जोर जोर से आवाज निकाल रही थी और उससे भागने की कोशिश कर रही थी। इतने में उस भैंस की मालकिन ममता आ जाती है और कहती है, अरे अरे ये मेरी भैंसिया इतना मिचमिचा क्यों रही है, शांत हो जा शांत। वो इसलिए मिचमिचा रही है क्योंकि उन्होंने चुड़ैल को देख लिया है। चुड़ैल, अरे अब समझ आया मेरी भैंसिया क्यों मिचमिचा रही थी। आ, आ, बचाओ बचाओ भागो यहाँ से। अब तो भी मिचमिचाई ना मोटी, मुझे देखकर तेरी तो हो गई ना ऐसी तैसी। तू भी तो मोटी है, मोटी चुड़ैल भैंस कहीं की। क्या बोला तूने मुझे, तेरी तो। ऐसा बोलकर वो मोटी ममता भाग जाती है। तुझे तो मैं बाद में देखूंगी मोटी कहीं की, पहले मैं अपनी भैंसों को ले जाऊं यहाँ से। इतना कहते ही चुड़ैल उसकी तीनों भैंसों को चुरा कर ले जाती है। कुछ देर बाद एकाएक करके सारी भैंसों का दूध निकाल कर पीने लगती है। दूध पीकर वो मोटी हो जाती है और डकार मार कर कहती है, अब आया ना मेरे दिल को चैन। वाह कितना मजेदार भैंसिया का दूध था। कुछ दिनों तक चुड़ैल उन भैंसों को चारा खिलाती है, नहलाती धुलाती उनका अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसे ही एक शाम थक कर वो कहती है, हाय राम मैं तो थक गई रे भैंसों को ढूंढते ढूंढते, आज तो मुझे ज्यादा दूध चाहिए। मैं बेचारी शाकाहारी चुड़ैल किस इंसान को मारकर खाऊंगी, या उसका खून पीऊंगी, या उसे नोचूंगी। मुझसे ये सब नहीं होता, मैं तो बस मेरी भैंसियाओं को चुराऊंगी और उनका दूध पीऊंगी। ये बोलकर वो भैंस का दूध पीने के लिए जैसे ही झुककर उसे पकड़ती है, तभी उसे वो भैंस एक लात मार देती है, जिस वजह से वो कहती है, अरे राम रे इस भैंसिया की इतनी हिम्मत, इसने मुझे दूध पीने से रोका, अब तो पीकर ही रहूंगी। ऐसा कहते ही वो चुड़ैल उस भैंस को पकड़ने भागती है। तभी वो भैंस भी चालाकी दिखाते हुए भाग जाती है। भैंस काफी आगे तक चली जाती है। दोनों भैंसे भी गायब हो जाती है। चुड़ैल गांव में और भैंसों को चुराने के लिए निकल जाती है। एक तबेले में 4 भैंसे चर रही थीं। चुड़ैल उसे भी रातों रात चोरी करके ले आती है। तभी उन भैंसों का मालिक भैंसों को तबेले में न देख कर सिर पीटते हुए कहता है, अरे राम राम, अरे बर्बाद हो गया मैं, कहाँ चली गई मेरी चारों के चारों भैंसे, किसने मेरी भैंसों को चुरा लिया। इस तरह चुड़ैल लोगों की भैंसों की चोरी करके उन्हें इकट्ठा करके उनका दूध पिया करती थी। वहीं गांव में उन भैंसों का मालिक चिल्ला चिल्ला कर अपनी भैंसों का रोना गाता है, अरे कोई तो लाओ मेरी भैंसों को वापस, अरे मैं तो लुट गया बर्बाद हो गया, मेरा तो खर्चा पानी बंद हो जाएगा, मैं कैसे दूध निकाल कर बेचूंगा। अरे अरे क्या हुआ भाई साहब, क्यों इतना चीख रहे हो, कहाँ चली गई तुम्हारी भैंस। अरे क्या बताऊं लाजवंती, अरे रातों रात भैंसे चोरी हो गई, पता नहीं कौन ले गया। क्या तुम्हारी भी भैंसे चोरी हो गई है, कल शाम को मेरी पड़ोसन की भैंस भी चोरी हो गई, आखिर ये सब कर कौन रहा है। मुझे अपनी सारी भैंसे चाहिए, इसका तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा। 2 दिन बाद चुड़ैल गांव में आती है और फिर किसी की भैंस को खोटे से खोलकर ले जा रही थी कि भैंस उस पिशाचिनी को देखकर शोर मचाने लगती है। तभी चुड़ैल उस भैंस का कान पकड़कर कहती है, चल आजा, तू भी चल ले, तेरे सारे दोस्त वही है, वो तो अब मुझे दूध देने में नखरे करती है, सोचा क्यों ना एक और भैंस को ले आऊंगी तो तू मुझे खुश रखेगी ना। वो चुड़ैल जैसे ही उस भैंस को ले जाने वाली थी, उस भैंस की मालकिन रमा आकर शोर मचा देती है, जिससे गांव वाले आसपास इकट्ठा होकर कहते हैं, अरे क्या हुआ रमा, चिल्ला क्यों रही हो, सोना चांदी चोरी हो गई क्या तुम्हारी। अरे सोना चांदी छोड़ो,
वो देखो चुड़ैल मेरी भी भैंस को लेने आई है। इसका मतलब गांव में अब तक सारी भैंस यही चुरा रही है। अरे ये तो चुड़ैल है, पकड़ लो इसे, जल्दी से पकड़ो, अरे जल्दी से कोई गंगा जल लेकर आओ। ये बोलकर चुड़ैल कुछ लोगों को मारने लगती है, लेकिन तभी कोई गंगा जल लाकर चुड़ैल के ऊपर डाल देता है, जिससे उसकी शक्तियां कमजोर हो जाती हैं और गांव वाले उसे एक पेड़ से बांध देते हैं। होश में आने के बाद चुड़ैल बौखला जाती है। खोलो मुझे, मैंने बोला खोलो, वरना एक एक को मार डालूंगी। मुझे मेरी भैंस के पास जाने दे, मेरी भूख का टाइम हो गया है। अरे ज्यादा चिल्ला मत भैंस चुराने वाली चुड़ैल, ये बता उन लोगों की भैंस चुरा कर उनसे उनकी दैनिक आमदनी क्यों छीनी तूने? जानती है ना ये सब अपने भैंस का दूध बेचकर ही अपना जीवन चलाते हैं। बता तूने क्यों किया ये सब, वरना हम तेरे ऊपर गंगा जल डाल देंगे। नहीं नहीं ऐसा मत करना, मैं बताती हूँ। कुछ समय पहले की बात है, मेरे घर में 3-4 भैंसे थी। मैं बहुत प्यार करती थी उनसे, उनको नहलाना धुलाना, टाइम पर चारा देना, उनके साथ खेलना बातें करना, सब अच्छा लगता था मुझे। एक दिन मेरी भैंसों की खूंटे से गांठ खुल गई, ना जाने कैसे, और वो मुझे छोड़कर चली गई। मैं इधर उधर भागने लगी अपनी भैंस को ढूंढने के लिए, तभी एक पड़ोसन बोली, अरे निर्मला तू इतनी मोटी हो गई है, इन भैंसों का दूध पी भी कर, अब कैसे भागेगी, ऐसा कर एक रिक्शा कर ले। तू ज्यादा मत बोल पार्वती, मैं जानती हूँ तू मुझसे और मेरी भैंसों से जलती है। अरे भैया तुझ जैसी भैंस पालने वाली आज तक मैंने नहीं देखी। अरे लोग भैंस का दूध बेचते हैं, लेकिन तू तो 4-4 भैंस का ताजा दूध निकाल कर अकेली ढकोस कर पी जाती है, तभी खुद भी भैंस जैसी हो गई है। हाँ तो तेरे बाप का क्या जाता है, तेरी भैंस का दूध तो नहीं पी रही ना। निर्मला अपनी पड़ोसन को सुनाकर अपनी भैंस को ढूंढने चली जाती है। तभी बहुत तेज बारिश होती है, लेकिन वो फिर भी ढूंढना नहीं छोड़ती। तभी आगे जाकर उसे अपनी एक भैंस दिखाई देती है। वो उसके पास जा रही थी कि आसमान से जोर से बिजली कड़कती है। आंधी की वजह से खंभा गिर जाता है, जिससे सड़क पर इकट्ठे पानी में करंट आने लगता है। अपनी भैंस के पास जाते ही करंट लगने से उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद मैंने भैंसों को चुराना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं खाने से ज्यादा भैंसों का दूध पीकर जीती थी। मुझे भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने भैंसों की चोरी की, जिसे पीकर मुझे बहुत मजा आता था। देखो तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करना चाहते, चुपचाप हमारी भैंसे लौटा दो। नहीं नहीं मैं अपनी भैंसे किसी को नहीं दूंगी, वो मेरी है। लगता है गांव वालों ये चुड़ैल ऐसे नहीं मानेगी, जल्दी से तांत्रिक बाबा को बुलाओ। कुछ देर में तांत्रिक बाबा आते हैं और विधि करके ध्यान लगाते हैं। ओम ह्रीम क्लीम भट्ट स्वाहा, चुड़ैल मृत्युम बंधक मृतम, आल तू जलाल तू, सारी भैंस कहाँ है बता तू। तांत्रिक इतना कहते ही ध्यान लगाता है तो उसे भैंसों का पता चल जाता है, जिसके बाद वह खूब मंत्रोच्चारण करके चुड़ैल पर भस्म डालता है, फिर उसे एक बोतल में बंद कर देता है और कहता है, आपकी सारी भैंसे पहाड़ के पीछे वाले तबेले में है, आप सब जाकर अपनी भैंसे वहां से ले आइए और मैं इस चुड़ैल को ठिकाने लगा देता हूँ।